टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच विवादों का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि हसीन जहां पूरी कोशिश कर रही हैं कि शमी को आईपीएल खेलने से रोका जाए। ऐसे में हसीन जहां ने पहले बीसीसीआई के पास मदद की गुहार लगाई और अब दिल्ली डेयरडेविल्स के मुख्य सचिव हेमंत दुआ के सामने भी गुहार लगाई है कि शमी को आईपीएल में नहीं खेलने दिया जाना चाहिए। हालांकि हर कोई हसीन जहां को गलत बता रहा है। आपको बता दें कि हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर घरेलू हिंसा और मैच फिक्सिंग जैसे संगीन आरोप लगाए थे, जिसके बाद बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी को मैच फिक्सिंग मामले में क्लीन चिट दे दी और इस वजह से मोहम्मद शमी अब आईपीएल में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हसीन जहां शमी को आईपीएल में खेलने देती हैं या नहीं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।